भाई वो कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से हम लोगों को एक नई मूवी का ट्रेलर देखने के लिए मिला है। मूवी का नाम है बगेरा और अभी फिलहाल ये ट्रेलर सिर्फ हम लोगों को तेलुगु लैंग्वेज में दिखाया गया है। और साथ में मैंने जब इसके कमेंट्स पढ़े तो बताया जा रहा है कि भाई ये मूवी का जो है पैन इंडिया कैंसिल हो चुका है, मतलब इसका जो ट्रेलर है हमें हिंदी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो पैन इंडिया कैंसिल हो चुका है तो इसकी मूवी भी जो है हिंदी में नहीं आएगी। और ये चीज़ पढ़ने के बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा गूगल सर्च किया तो वहाँ इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी गई है। बट अगर हम होमबेल फिल्म्स की पुरानी हिस्ट्री को उठा के देखें तो अभी तक KGF, सलार, ये जितनी भी होमबेल की फिल्म्स आई हैं इन सभी को जो है पहले तेलुगु तमिल में रिलीज़ किया जाता है ट्रेलर, उसके बाद तो एक दो दिन बाद हिंदी में आ जाता है और मूवी भी तो हिंदी में आती ही है। तो मान के चलते हैं कि ये बगेरा मूवी भी हम लोगों को हिंदी में देखने के लिए मिलेगी। साथ में इस बगेरा मूवी को लिखा है प्रशांत नील सर ने, जिन्होंने भाई KGF लिखी है, सलार लिखी है। पर यहाँ पे बगेरा मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं DR सूरी। उन्होंने अभी तक सिर्फ दो ही मूवी डायरेक्ट की हैं गूगल के अनुसार और वो मूवीज मैंने नहीं देख रखी हैं तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि उनका डायरेक्शन कैसा है। पर अगर ट्रेलर को देख के बताऊं तो भाई ट्रेलर तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में और साथ ही में ट्रेलर को देख के लगभग मूवी की जो है स्टोरी भी समझ में आती है। जैसे कि मैं आपको बोलता ही हूँ कि कोई भी मूवी उठा के देख लो, कोई भी स्टोरी कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर रहती है। तो सेम लगभग चीज़ें जो इस मूवी में भी हैं कि मूवी का जो हीरो है विलन की तरह काम करता है, लाइक कानून के हाथों में सब कुछ नहीं सौंपना, अपने हिसाब से सबको सजा देना, तो मतलब इस तरह का काम जो है बगेरा करेगा, लोगों को इंसाफ दिलाएगा। तो इस कंसेप्ट के ऊपर ये मूवी बनी है और साथ में जिस तरह से करेक्टर बगेरा को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की ब्लैक पैंथर मूवी देख रखी है तो कहीं ना कहीं सिमिलर वाइब जो है इस ट्रेलर से आती हैं। लाइक इस मूवी का पोस्टर देख लो जहाँ पे बगीरा के पीछे एक ब्लैक पैंथर बनाया गया है और साथ में बगीरा की कॉस्ट्यूम देख लो, लगभग काफी ज्यादा मैच होती है ब्लैक पैंथर से। और साथ में जो बगीरा का रोल निभाने वाले हैं उनका नाम है मुरली, उनकी मूवीज भी मैंने नहीं देखी है। पर जब सलार मूवी रिलीज की गई थी तो बताया जाता था कि सलार जो है उर्गम की रीमेक है, तो गूगल के अनुसार उर्गम मूवी में भी मुरली ही थे। जिन्होंने उर्गम मूवी देख रखी है वो इस एक्टर को जरूर जानते होंगे। इस मूवी के ट्रेलर में जो बगीरा नाम का करेक्टर है वो एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैक पैंथर। बट यहाँ पे ब्लैक पैंथर के पास भाई उसके पावर्स हैं राइट, पर यहाँ पे जो बगीरा नाम का करेक्टर है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स नहीं है कि वो जिस तरह के हम लोगों को ब्लैक पैंथर में देखने के लिए मिली थी। पर वही साउथ वाला हीरो जो भाई एक बंदा 10-10 बंदे को मार देता है, तो उसी तरह का करेक्टर जो है हम लोगों को बगीरा देखने के लिए मिलता है। कहूँ तो मुझे इस मूवी का ट्रेलर देख के ना प्रशांत नील की पुरानी मूवीज की ही याद आ रही थी, KGF और सलार की, मतलब वही डार्क फाइट सीन। और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं स्टोरी भी उसी तरह की देखने के लिए मिलेगी। तो ये सब चीज़ देख के मुझे लग रहा है कि मूवी में भी कुछ खास चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, बस ये चीज़ को छोड़ के कि आखिरकार बगीरा इस तरह के काम कर क्यों रहा है। और अगर आप लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर और मूवीज देखोगे तो उन सभी हीरो के अपने अपने रीजन होते हैं, किसी के बचपन में कुछ हो गया होता है, कोई प्यार की वजह से ऐसा कर रहा होता है, कोई देश के कानून से तंग आ गया होता है। बगेरा मूवी का सिमिलर कंसेप्ट हम लोगों को सलमान खान की किक मूवी में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सलमान खान बड़े लोगों से पैसा लूटता है और बच्चों की हेल्प करता है। तो सेम बगेरा मूवी का भी कंसेप्ट है, जो भी आम लोगों के ऊपर दुष्कर्म करते हैं उन सभी लोगों से यहाँ पे बगेरा उन लोगों को बचाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ खास यूनिक कंसेप्ट नहीं है और साथ में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा 30 अक्टूबर को। पर ये सब तो ठीक है, पर मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बगेरा के करेक्टर को ब्लैक पैंथर जैसा क्यों बनाया गया है। पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो है इस तरह का ट्रेलर, इस तरह का मूवी बनाई गई है और इस तरह से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी होंगे मूवी की तरफ, मूवी को देखने के लिए जाएंगे। आप लोगों का क्या थॉट्स हैं इस मूवी को लेकर के कमेंट डाउन कर सकते हो।